अपहरण के एक मामले में पूछताछ के लिए 3 दिन से पुलिस हिरासत में रखे गए लालाराम गरासिया की मौत की सूचना ने पूरे क्षेत्र में ही सनसनी नहीं फैलाई बल्कि पुलिस प्रशासन को भी हिलाकर रख दिया है। पता चला है कि रणकपुर के सादड़ी क्षेत्र से लालाराम और कुछ अन्य रिश्तेदारों को उठाकर लाए थे। इलाके की ही एक लड़की के अपहरण के बाद उसे हिरासत में लिया गया क्योंकि जिस लड़के के साथ लड़की के जाने की संभावना है लालाराम उसका रिश्तेदार था। लालाराम की मौत के बाद घबराई पुलिस ने हिरासत में लिए गए दूसरे लोगों को भी छोड़ दिया और वहीं लोगों ने बाहर निकलने के बाद लालाराम की थाने में मौत की पुष्टि कर दी। सायरा सहित पूरे जिले में यह बात हवा की तरह फैल गई और चौक चौराहों, चाय की थड़ियों, पान के गल्लों पर लालाराम की मौत ही सुर्खियों में रही, जिसमें थानाधिकारी प्रभुलाल मीणा, ASI राम अवतार, अशोक कुमार सहित पूरे थाने के स्टाफ द्वारा रात भर मारपीट करना चर्चाओं में रहा। हालांकि पुलिस की ओर से मौत के असल कारणों की पुष्टि नहीं की गई है, फिर भी यह बताया जा रहा है कि लालाराम की तबीयत बिगड़ गई थी और अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल लालाराम का शव सायरा अस्पताल की मुर्दा कोठरी में रखा गया है। वहीं गरासिया समाज और क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों में भी पुलिस कस्टडी में मौत का काफी आक्रोश देखा जा रहा है।